आइए किसान भाइयों, आज हम आपको सिंचाई की ऐसी तकनीक के बारे में बताते हैं जिससे कम पानी से भी सब्जियों की खेती कर निश्चित लाभ कमाया जा सकता है। इस तकनीक का नाम है टपका विधि या बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई सिंचाई की नवीन प्रणाली है। इसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी को पाइप में लगे ड्रिपर्स की सहायता से निश्चित आयतन की मिट्टी में पौधों की जड़ों में डाला जाता है। इससे जमीन की नमी पौधों की आवश्यकता अनुसार समान रूप से बनी रहती है। इस विधि से सिंचाई फलों व सब्जियों, जिसमें एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच अमरूद, नींबू आदि फलों तथा टमाटर, तरबूज, मिर्ची, बैंगन, लौकी, तोरी, मिर्च, गोभी आदि सब्जियों के बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को अपनाकर लगभग 50% पानी की बचत के साथ अधिक पैदावार ली जा सकती है। पानी के स्रोत मुख्यतः कुआं या ट्यूबवेल रहते हैं। पानी के स्रोत से पानी पंप मोटर की सहायता से ड्रिप संरक्षण तक पहुंचता है। पानी खेत में जाने से पहले पाइप के माध्यम से सैंड फिल्टर तक जाता है। सैंड फिल्टर रेत या मिट्टी को पानी से अलग कर देता है। बूंद बूंद सिंचाई में पंप को मुख्य पाइपलाइन से जोड़ते हैं तथा मुख्य पाइपलाइन से लेटरल पाइपलाइन को पौधों की कतारों के अनुसार बिछाते हैं। पाइपलाइनों में पानी का दबाव पंप के जरिए या ऊंचाई से बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ड्रिप सिंचाई यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि में वॉल्व, प्रेशर रेगुलेटर, फिल्टर, फिल्टर गेज तथा फर्टिलाइजर टैंक भी लगे होते हैं, जिससे पानी के साथ खाद व अन्य घुलनशील तत्वों की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। डिपर लाइन की लंबाई पौधों के अंतर पर निर्भर होती है। सब्जियों में 15 से 30 मीटर तक की तथा फलों में 25 से 50 मीटर तक ली जा सकती है, परंतु इसकी लंबाई 60 से 80 मीटर रखने पर सभी छिद्रों में पानी समान रूप से निकलता है। फर्टिगेशन यानी सिंचाई खाद, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के द्वारा घुलनशील खाद, रसायन व पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई के समय डाले जा सकते हैं। इससे बहुत कम मात्रा में खाद, कीटनाशक या सूक्ष्म तत्व द्वारा अधिक उत्पादन किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई व जल विकास समिति के अनुसार इससे 80% पानी की बचत के साथ उच्च गुणवत्ता के साथ 88% अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस विधि से सिंचाई करने पर 63% श्रमिकों की बचत होती है तथा 9% पौध संरक्षण रसायनों में बचत की जा सकती है। इस प्रकार सब मिलाकर 70% सिंचाई के व्यय में कमी की जा सकती है तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाने का खर्च 3 फसल लगाने पर ही प्राप्त किया जा सकता है।